बिहार सरकार के सबसे महंगे खर्च वाले जिला पूर्वी चंपारण में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की समाप्ति हो गई और नेताओं का प्रतिरोध एक दूसरे के प्रति अब फूट कर सामने आया। पूर्व में अध्यक्ष रही प्रियंका जायसवाल की कुर्सी छीन जाने के बाद उनके पति बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने धमकी भरे लफ्ज में कहा कि उनको जितना न्योता मिला है उससे कहीं ज्यादा तो विरोधियों का न्योता करने वाले हैं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने विरोधी दल के साथ साथ अपने दल के कुछ लोगों पर निशाना साधा और कहा कि जिनके खिलाफ इस जिले में एक अजूबे गठबंधन को जन्म दिया जिसमें अनेक दल के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका जायसवाल की हार तो उनकी हार है जिसे वे खुद स्वीकार भी करती है, पर एनडीए इस हार को किस नज़र से देख रहा है वो खुद समझे, क्योंकि प्रियंका जायसवाल भी पार्टी से जुड़ी हुई थी। आपको बता दें, इस मामले के पीछे शहर में एक अनोखा पोस्टर भी चिपकाया गया था जिसको लेकर हंगामा मचा है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के लोग एक ही बैनर पर दिख रहे हैं, जिसमें एक को पितामह की उपाधि दी गई तो दूसरे को किंग मेकर बनाया गया। हालांकि इस पोस्टर को जिसने लगवाया इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि, लेकिन वर्तमान में पोस्टर अब गायब भी हो गया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मीडिया कर्मियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर यशवी सिंह ने बड़ी बात कही है। पुलिस अधीक्षक ने जनपद के मीडिया कर्मियों से मिलने का निर्धारित शेड्यूल भी तैयार किया है। सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से लेकर पूर्वाह्न 2 बजे तक ये समय निर्धारित किया गया है जिसमें पुलिस अधीक्षक अब पत्रकारों से मिल सके। उत्तराखंड में भी एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। मंगलवार को प्रदेश के मैदानी इलाके में हल्की बारिश और चारधाम पिथौरागढ़ में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। अगले 5 दिनों तक मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी से पूरे प्रदेश में दिन भर ठंड बढ़ गई तो वहीं नैनीताल में सुबह से ही ठंड रही। वहीं दोपहर होते होते घना कोहरा छा गया, वहीं बारिश भी हुई जिससे एक बार फिर बर्फबारी और ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बता दें, नैनीताल में सुबह से ही रिमझिम बारिश के साथ कोहरे के सफेद चादर ओढ़ी। न्यू ईयर के बाद एक बार फिर पर्यटकों का नैनीताल की ओर रुख देखने को मिला। बता दें, पूर्व में भी एक बार फिर नगर में बर्फबारी हो रही, इस दौरान काफी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते नैनीताल पहुंच रहे थे, मगर एक बार फिर से बर्फबारी की संभावना बढ़ने लगी है जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से काफी पर्यटक पहुंच सकते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर देर रात सीनियर एसएसपी बालूराम के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाकर सभी वाहनों की जांच की गई और मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ स्टेशन चौक और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा और पूरी जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि कई बार आपराधिक घटनाएं लूटपाट की घटनाएं सामने आती है, ऐसे में रोको टोको अभियान कारगर है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि लोगों में लगाम लगाई जा सके। एसएसपी बालूराम ने कहा कि सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण दुकानदार है उनमें से मिलकर सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित करें और रिकॉर्डिंग क्वालिटी चेक करें। शहर में स्मार्ट सिटी पुलिस के लगे कैमरे खराब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरे लगाए गए समीक्षा कर उसे ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, 27 दिसंबर को बिहार में पहली बार भागलपुर के तत्कालीन सीनियर एसपी आईपीएस मनोज कुमार के पहल पर रोको टोको अभियान की शुरुआत भागलपुर में की गई थी। अभियान के कारण अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में भागलपुर पुलिस को कामयाबी मिली थी और बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस पहल को पूरे बिहार में उतारने की बात कही और बिहार पुलिस के द्वारा से अपनाया भी गया। हालांकि भागलपुर में 2020 में तत्कालीन सीनियर एसपी आशीष भारती के जाने के बाद यह अभियान धीमा चला था और पुलिस के सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में रोको टोको अभियान नहीं चलाया जा रहा था। वहीं भागलपुर के एसएसपी बालूराम ने फिर से इसकी शुरुआत की है और यह अभियान अपराध और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने वाला साबित होगा। कई बार शहर में आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद पुलिस सीसीटीवी तलाशती है तो कई जगह पता पाया जाता है कि सीसीटीवी खराब है या कैमरा के लेंस पे धूल जम गई है। कई बार होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि सभी जो महत्वपूर्ण दुकानदार हैं उनसे मिलें और उनका सीसीटीवी लगाने के लिए उनको प्रेरित करें और जिनके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है उनका चेक कराएं कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ठीक है और उनको ये भी सलाह दें कि वो इसकी मेंटेनेंस की व्यवस्था करें और मंथली मेंटेनेंस कराएंगे तो कैमरा ठीक से काम करता रहेगा, रिकॉर्डिंग ठीक से होती रहेगी और जरूरत पड़ने पर उसकी फुटेज काम आएगी। सर, पुलिस के अभी 40 से 50 कैमरे पुलिस के अपने। खबर नैनीताल से है, जहां 5 यूके नेवल यूनिट एनसीसी के तत्वाधान में 7 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस 7 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण में नगर के मल्लेताल स्थित सीआरएसटी इंटर मेडिएट कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को नौसेना और एनसीसी के विभिन्न विषयों में अवगत कराया गया।